हेलो माय आसम स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस एक्सरसाइज के हम थ्री क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन इससे पहले के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियोज में मिल जाएंगे राइट सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर फाइव में उन्होंने हमें क्या बोला है हाफ द पैरीमीटर तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें क्या करना है पैरीमीटर का हाफ करना है राइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई उसका जो पैरीमीटर है उस पैरीमीटर का हमें क्या करना है हाफ करना है मतलब उसको टू से हमने डिवाइड करना है राइट हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स विथ देखो किसकी बात करी है लेंथ क्या है फोर मीटर मोर है किससे उसकी थ से तो क्या बोला है उन्होंने हुज लेंथ इज लेंथ इज इसका मतलब इक्वल टू फोर मीटर मोर फोर मीटर क्या है ज्यादा है किससे उसकी वेथ से सो so सपोज उसकी विथ्थ अगर बी है ब्रेथ अगर वी है तो हमने उसको क्या मान लिया लेंथ इज इक्वल टू बी प्लस फोर सो क्या बोला है उन्होंने इस थर्टी सिक्स मीटर अभी थर्टी सिक्स मीटर क्या दिया हुआ उन्होंने देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उन्होंने किसकी बात की थी पैरामीटर की कौन सा पैरामीटर हाफ पैरामीटर मतलब अगर इसका पैरामीटर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इन लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ठीक है तो इन्होंने हमें क्या दिया है पैरामीटर का हाफ दिया है किसके इक्वल थर्टी सिक्स मीटर के मतलब इन्होंने लेंथ प्लस ब्रैथ जो है वो हमें क्या दिया है थर्टी सिक्स मीटर दिया है राइट सो so हमें क्या करना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन हमें डायमेंशंस निकालनी है मतलब हमें ये लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी है राइट सो so जब आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे या फिर जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन नंबर देन आपको क्या लिखना है लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज़ एकवल टू गार्डन की लेंथ कितनी है सपोज़ हमारे पास कितनी है एल मीटर है क्योंकि डायमेंशनस निकाल लिया ना और उन्हीं डायमेंशंस को हमने लेट कर लिया लेंथ कितनी लेट की है हमने एल मीटर और ब्रेथ कितनी लेट की है हमने गार्डन की गार्डन की ब्रेथ हमने लेट कर ली है सपोज बे मीटर अब देखो क्वेश्चन को उन्होंने हमें दो कंडीशंस बोली हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो कंडीशंस दी हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दी है हमको उन्होंने ये वाली फर्स्ट कंडीशन दी है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस फोर ठीक है बोला है ना उन्होंने कि लेंथ इज़ फोर मीटर मोर देन इट्स लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ से कितनी फोर मीटर राइट इसको मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और सेकेंड चीज़ उन्होंने हमें क्या बोली है दैट टू इन लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब इसके पैरामीटर का जो हाफ है वो किसके इक्वल दिया है हमें थर्टी सिक्स मीटर के इक्वल से टू से टू कैंसल आउट होगा तो यहाँ से क्या बच गया लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स मीटर और ये क्या हो गया हमारे इक्वेशन नंबर टू सो so, देखो अब हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस बन गए ठीक है तो वेरिएबल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाते हुए भी कहा था कि वेरिएबल हमारे कुछ भी हो सकते हैं जैसे अभी तक हम x प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स और y में पढ़ रहे थे ना वेरिएबल अब हमने उन वेरिएबल्स का नाम क्या लिया है लेंथ और ब्रेथ l और b तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें फ़र्क पड़ता है इसकी हाइएस्ट डिग्री से इनकी जो हाइएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है वन है तो यानी कि ये इक्वेशन किस में है लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं तो कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं तो बस अब आप अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो राइट सो सिम्प्लीफाई कैसे कर सकते हो आप सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में क्या है एल की वैल्यू कितनी है बी प्लस फोर है तो यही बी प्लस फोर अगर मैं यहाँ पर एल की जगह पर लिख दूँ बी प्लस फोर प्लस बी दिस इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ठीक है मैंने कुछ नहीं किया सिंपल जो एल की वैल्यू थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी राइट right? अब अगर हमने ये वैल्यू लिख दी तो b में b प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2b, 2b टू बी प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टी मीटर राइट अब ये 4 हमारा इधर प्लस में है तो इस साइड जा करके किसका हो जाएगा माइनस का तो क्या आ जाएगा 2b बी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस फोर सो दिस एम्प्लाइज टू बी इज इक्वल टू थर्टी टू टू बी इज इक्वल टू थर्टी टू आ गया अब यहाँ पे जो ये टू है ये टू इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर के इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा सो दैट मीन्स ब्रेथ इज इक्वल टू कितने आ गया हमारे पास सिक्सटीन मीटर निकल गई ब्रेथ अब इसी चीज़ को आप अपने इक्वेशन नंबर वन में दोबारा से वैल्यू को पुट कर दीजिए पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन में अगर आप अपनी यही वैल्यू पुट कर दोगे ब्रेथ की तो क्या आंसर आएगा एल इज़ इक्वल टू बेथ कितना हैिक्सटीन है सिक्सटीन प्लस फोर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर ठीक है देखो अभी तक हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैथड सीखा था हमने ग्राफिकली ठीक है ग्राफ बना के हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे ये हमने जो एल और बी निकाला ये क्या है बेसिकली लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ही तो है कि एल और बी की वैल्यू ही तो निकाले सॉल्यूशन में भी तो हम यही करते थे कि एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड आउट करते थे तो ये भी हमने बेसिकली क्या निकाला है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है अब देखो अभी तक आपने सीखा था ग्राफिकल मैथड राइट सो ये जो हमारा मैथड है ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मैथड यह आप डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे से सीखेंगे कि क्या है ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अगर आप चाहो तो आप इन दोनों लीनियर इक्वेश्स को आप ग्राफिकल मैथड से भी सॉल्व कर सकते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा राइट सो डायमेंशंस पूछी थी उन्होंने सो आप नेक्स्ट लास्ट में लिख दो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन dimensions of the garden length is equal to 20 meter and breadth is equal to 16 meter ठीक है जी डन बात समझ में आई तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे इन दोनों लीनियर क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो चाहे आप इसको इस मेथड से सॉल्व करो ये सब्सिट्यूशन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स पर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है ठीक है दो वेरिएबल्स हैं दोनों की हाइएस्ट डिग्री वन है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है राइट एन अदर लीनियर इक्वेशन हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है क्योंकि इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी तक हमें दोनों लीनियर इक्वेशंस दी हुई होती थी अब हमें एक दी हुई है दूसरी हमें खुद बनानी है कैसे बनानी है सच दैट द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग मतलब जो दूसरी लाइन आएगी उन दोनों ये दोनों लाइन्स जो हैं वो कैसी होंगी एक दूसरे को क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी ठीक है तो अब इंटरसेक्टिंग के लिए आपने कंडीशन क्या पढ़ी हुई है आप यहाँ पे इस तरह से हेडिंग लगा के लिख सकते हैं अपने एग्जाम में या नोटबुक में दैट इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस रेशियो जो है वो दोनों की क्या होनी चाहिए ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू होनी चाहिए रेशियो ठीक है देखो ये ए वन है ये एक्स है ये बी वन बाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो इस तरह से है हमारे पास राइट सो अब आपको क्या दिख रहा है कि ए वन की वैल्यू कितनी है टू है दिस जिस शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन की वैल्यू कितनी है बी वन है हमारा थ्री तो अब आपको ए ए टू और बी टू की कुछ भी ऐसे रैंडम वैल्यू चूज़ करनी है कि जिस केस में ये रेशियो हमारे इक्वल ना आए जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं ए टू की वैल्यू फोर ले लेती हूँ और बी टू की वैल्यू सिक्स ले लेती हूँ तो कैंसिल आउट करने पे ये तो रेशियो इक्वल आ गई ठीक है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम कौन सी ऐसी वैल्यू लें आपकी मर्जी है आप यहाँ पर कुछ भी ले लो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री बाई सेवन मतलब मैंने जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन ली वो क्या ली फाइव एक्स प्लस सेवन वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो नाइन कॉन्स्टेंट पार्ट कैसे आए ये आपकी मर्जी है आप कुछ भी ले लो क्योंकि उससे हमारी लीनियर इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला हमारी जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं ये दोनों कैसी होंगी इन इंटरसेक्टिंग होंगी क्यों होंगी क्योंकि इनके जो कॉफिशेंट का रेशियो है दैट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर ओके आप यहाँ पर नाइन ले लो आप यहाँ पर इलेवन ले लो आप यहाँ पर कुछ लो ही ना तो भी आपका आंसर सेम रहने वाला है डन इसका सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में क्या है लाइन शुड बी पैरल आप क्या करोगे सेकेंड पार्ट में क्या करोगे फॉर पार्लल पार्लल के लिए क्या कंडीशन पता है आपको पार्लल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए दैट ए वन बाय ए टू शुड बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू ठीक है जी अब ये रेशियो इक्वल होनी चाहिए अब जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था दैट मीन्स टू बाय फोर ये टू इसका ए वन और ए टू हमने कुछ भी अपनी मर्जी से लेट कर ली इस तरह से वैल्यू लेट करनी है सो दैट कि ये वाली जो दोनों रेशियोस हैं पहले वाली दोनों रेशियोज़ तो इक्वल आए लेकिन थर्ड वाली रेशियो जो है सीवन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस एट है और C2 आप कुछ भी लेट कर लो सपोज C2 हमने 15 लेट कर लिया ठीक है क्योंकि हमने ये बस मल्टीपल लेट नहीं करना जैसे यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है ना ये तो आपने यहाँ पर 16 लेट नहीं करना क्योंकि अगर आप 16 लेट कर लोगे तो वो एट टू सा सिक्सटीन हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई यानी कि फोर एक्स प्लस सिक्स वाई देन प्लस फिफ्टीन इज एक्ल टू ज़ीरो पार्ट थर्ड पार्ट हमारा क्या है को इंसिडेंट लाइन्स के लिए ठीक है सो कोइंसीडेंट लाइन्स के लिए फिर से वही कोइंसीडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होनी चाहिए सो ए वन की वैल्यू हमें पता है टू दी हुई है बी वन की वैल्यू कितनी दी हुई है थ्री सी वन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें माइनस का एट ठीक है अब आपको ये रेशियो इक्वल करनी है राइट अब आप कुछ भी ले लो या तो इनके मल्टीपल ले लो इस तरह से ठीक है टू के मल्टीपल्स ले लो मतलब जब आप इनको कैंसिल आउट करो तो ये हमारे पास सारी रेशियो जो है वो वन बाय टू बन जाए या फिर आप यहाँ पे जो ये रेशियो है वो थ्री के मल्टीपल्स ले लो जैसे टू इज था सिक्स हो गया थ्री three, इज था नाइन हो गया और एट इज का कितना हो गया ट्वेंटी फोर राइट सो दोनों ही आंसर्स आपके सही होंगे सो so, सपोज़ हमने जो लिया है हमने लिया है टू टू का मल्टीपल सो यानी कि हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्सटीन जीरो टू ज़ीरो ठीक है ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने माइनस सिक्सटीन लिया क्योंकि अगर मैं खाली प्लस सिक्सटीन लूँगी तो ये आंसर मेरा क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू वो इक्वल नहीं होगा तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है सी टू की वैल्यू कितनी ली है माइनस सिक्सटीन राइट right? आगे बढ़ते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन तो नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो सेवन क्वेश्चन में हमें क्या करना है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन हमें इन का क्या बनाना है ग्राफ ठीक है तो ग्राफ पेपर पर समझेंगे कि कैसे बनाना है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं इन दोनों लीनियर का हमें ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है राइट सपोज करो ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ग्राफ पर बनाएंगे जब डिटरमाइन द ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म अब देखो दो लाइन से तो ट्राइंगल नहीं बनता ट्राइंगल किससे बनता है तीन लाइन से बनता है इन्होंने हमें कितनी दी हैं दो लाइन्स दी हैं तो तीसरी लाइन क्या है फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एक तो ये वाली दोनों लाइन्स हो गई और तीसरी लाइन कौन सी हो गई हमारी एक्स एक्सिस पर जो हमारी तीन लाइन्स हो गई टोटल यानी कि इन तीनों लाइन्स से जो ट्राइंगल बन रहा है हमें उसके क्या बताने हैं कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस बताने हैं डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म वर्टिसेस बताने हैं एंड इस रीजन को हमने क्या करना है शेड करना है ठीक है तो चलिए ग्राफ पेपर पर समझते हैं कैसे करना है सो so, अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं राइट सो हमें दो इक्वेशंस दी हैं ये दोनों इक्वेशंस इन इक्वेशंस का सबसे पहले हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए उसी मेथड से सबसे पहले एक्स की वैल्यू अगर हमने जीरो पुट की तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो क्या बनेगा जीरो माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो राइट right? सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा जीरो का तो कोई रोल रहेगा ही नहीं यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब ये प्लस का वन जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का वन सो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट सो हमारी वाई की जो वैल्यू आ गई वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी प्लस वन अगर एक्स जीरो है तो वाई कितना बन गया हमारा प्लस का वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो वन राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होकर के कि किसका हो जाएगा माइनस का तो मतलब जब हमारा वाई जीरो था तब हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस वन आई इसी तरह से अब यहाँ पर दोबारा से सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो कितना बचा टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ट्वेल्व इस तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा सो y की वैल्यू क्या आएगी क्योंकि ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास सिक्स बन गई इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अब हमें y की वैल्यू जीरो पुट करनी है अगर y को जीरो पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो अब ये जो ट्वेल्व है माइनस का ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होके किसका हो जाएगा प्लस का देन ये थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है ये थ्री नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास फोर आ गई सो so, अब ये पॉइंट्स हमको प्लॉट करने ठीक है तो सबसे सिंपलेस्ट क्या नजर आ रहा है हमें हमें वन वन का गैप दिख रहा है क्योंकि हमारे पास वैल्यू वन भी है सिक्स भी है फोर भी है राइट सो हमारे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है कि हमारी ग्राफ पेपर पर पूरी ना आए और ऐसी वैल्यूज भी हैं कि हमको डार्क लाइन पे हम ईजिली बना सकते हैं ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ पे वन टू थ्री फोर लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया इसी तरह से वाई एक्सिस पर और माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस पर ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास ज़ीरो कोमा वन ठीक है मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी वन तो ये कहाँ पर प्लॉट होगा पॉइंट पॉँग? y एक्सेस पर ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा जीरो कोमा वन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा माइनस वन कोमा जीरो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस वन तो यहां पे ये दूसरा पॉइंट आ गया माइनस वन कोमा जीरो इसके बाद क्या करते हैं हम इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे ठीक है जी इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई दोनों साइड हमने पहले एरोस लगाई देन हमने इसके ऊपर अपनी इक्वेशन लिखी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू तो जीरो तो क्या है इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू तो जीरो ठीक है फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट हो गई देन सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं जीरो को सिक्स मतलब y की वैल्यू दी हुई है हमें सिक्स तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर प्लॉट होगा वाई एक्सेस पर ये सारा कुछ आपने नाइन्थ क्लास में सीखा हुआ अच्छे से देन फोर कोमा जीरो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी फोर तो फोर कोमा ज़ीरो इन दोनों पॉइंट्स को अब आप क्या करोगे इन दोनों पॉइंट्स को अब हम यहाँ पे सिंपली ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर हम अपनी क्या लिख देंगे इक्वेशन इक्वेशन क्या है हमारी थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था इनके हमें वर्टिसेस निकालने और वर्टिसेस कौन से होंगे जिन पॉइंट्स पर ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइंस हमारी ये और तीसरी हमारी एक्सेक्स यही बोला था क्वेश्चन में सो so, सबसे पहली चीज क्वेश्चन में उन्होंने हमें शेड करने को भी बोला था पोर्शन को तो हमने इस पोर्शन को शेड भी कर दिया राइट एंड देन सेकेंड थिंग उन्होंने हमें क्या बोली थी कि हमें इनके वर्टिसेस बताने तो ए के कॉर्डिनेट्स क्या है ए के लिए आप इसको पहले डॉटेड इधर मिला लीजिए और डॉटेड इधर मिला लीजिए तो ए के क्या आ गए टू कोमा थ्री तो यहाँ पर हमने लिख कि ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे टू कोमा थ्री ऐसे ही बी बी को अगर हम देखें तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे माइनस वन कोमा जीरो तो बी के लिख दिए हमने माइनस वन कोमा जीरो और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा है सी यहाँ पर बन रहा है सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है फोर कोमा जीरो तो यहां पर हमने सी के कोऑर्डिनेट्स भी मैंशन कर दिए विच इज फोर कोमा जीरो ठीक है तो इस तरह से आपको ये ग्राफिकली बनाना है तो so, इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में समथिंग है नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखना है सब्सटीट्यूशन मैथड लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का सब्सटीट्यूशन मैथड जैसा अभी हमने एक फिफ्थ क्वेश्चन में एक हिंट लिया है राइट सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू दैनल थैंक यू